असलकम तो अब लेक्चर नंबर ट्वेंटी नाइन शुरू करते हैं बातें करते हैं मज़ीद इंटीग्रेशन की फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ़ फाइंडिंग एरियाज़ अंडर ग्राफ्स ऑफ गिवन फंक्शंस और वो फंक्शंस uh, किस टाइप के होते हैं पिछली दफ़ा हम देख भी चुके हैं आ, यहाँ पे ये कहना चाहिए गिवन ग्राफ्स ऑफ कंटिन्यूस फंक्शंस खैर ये सारी बातें अब हम मज़ीद करते हैं पिछले लेक्चर में भी की थी और अब इसको मज़ीद डेवलप करेंगे तो इसमें अभी तक जो हमने आ, देखी है बातचीत जो की है इंटीग्रेशन की उसमें फिर वो बात है कि एरिया की प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी क्रूशल है काफ़ी इम्पोर्टेंट है आ, पिछली दफ़ा हमने बात की थी कि जी हमने डिफाइन किया था एक तरह से कि जी एरिया एरिया ऑफ अ रीजन डिफाइंड अंडर एंडर द ग्राफ ऑफ सर्टन फंक्शन उसको हम किस तरह से मालूम कर सकते हैं उसकी एक पूरी थ्योरी थी जिसकी हमने बात की थी उसमें हमने देखा कि भाई कैसे आप आ, आ, रेक्टेंगल्स इस्तेमाल करते हुए अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं एरिया अंडर द रीजन एरिया ऑफ द रीजन अंडर द कर्व। तो उसमें ये था कि जी आप पहले आ, रेक्टेंगल्स बनाते हैं उसके बाद उन रेक्टेंगल्स को आप आ, आ, उनका हाइट मालूम करते हैं उसके लिए एक थ्योरी थी कि जी आर्बिटरी पॉइंट्स चूज़ करते हैं हमने ये भी देखा कि वो इट डजेंट मैटर विच व्हाट वॉट दर्बिट्री पॉइंट इज हमेशा रिजल्ट एक ही आता है और ये भी देखा कि उसको हम इस्तेमाल करते हुए यानी जब हम उन रेक्टेंगल्स की नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स को बहुत ज़्यादा कर देते हैं और इन रियलिटी वी लेट दैम गो टू इन्फिनीटी तो हमारे पास रिजल्ट जो आता है वो एक एग्जैक्ट एरिया बन जाता है ऑफ द रीजन अंडर द ग्राफ ऑफ गिवन फंक्शन तो ये आ, पिछली दफ़ा जो हमने ये सब बातें की थी इनको डिफ़ाइन किया था एरिया वगैरह को उसमें थोड़ी सी चीज़ें स्पेशल फॉर्म की थी यानी मिसाल के तौर पे हमने ये कहा था कि भाई ये जो आपके रेक्टेंगल्स बनाए थे हमने वो हमने उनकी विथ जो डिफाइन की थी वो हमने कहा था कि जो औरिजिनल एक इंटरवल दिया होता है उसको आप सब डिवाइड कर लेते हैं इन सब इंटरवल्स ऑफ इक्वल विथ्स तो इसमें ये स्पेशल बात है कि जी इक्वल विथ क्यों है उन रेक्टेंगल्स की uh, क्या अगर डिफरेंट विथ के रेक्टेंगल्स हों तो क्या हमारे पास ये एरिया uh, की डेफिनेशन क्या काम करेगी या नहीं करेगी तो इट्स अ गुड क्वेश्चन मैथमेटिक्स में ही होता है कॉन्सेप्ट आइडिया ये होता है पहले भी हम देख चुके हैं कि जितनी ज़्यादा कोई बात जनरल कर दी जाए उतनी ही वो ज़्यादा उसमें मैथेमेटिकल ब्यूटी होती है उसकी खूबसूरती वहाँ से पता चलती है तो वही बात है कि जी सवाल नेचुरल सा उठता है कि आपने तो ये स्पेशल केस लिया था कि रेक्टेंगल्स सारी एक ही विट्थ के होंगे और उसमें एक आसान रहती हैं कैल्कुलेशन की आप कहते हैं जी इनकी विथ पतली करते जाएँ तो डजन मैटर क्योंकि आपके इंटरवल्स जो थे वो बराबर साइज़ के थे यू कैड डू इट नेचुरली लेकिन ये सवाल है कि अगर ना हो तो क्या होगा वाट इफ़ दी रेक्टेंगल्स आर ऑफ डिफरेंट विथ्स और वो किस तरह के होंगे वो अभी हम देखेंगे कि क्या केसेस बनते हैं कि जब रेक्टेंगल्स की विथ या चौड़ाई जो है वो डिफरेंट हो और इसके हम क्या किस तरह से इस प्रॉब्लम को टैकल करते हैं तो सब कुछ बातचीत करने से पहले एजेंडा बना लेते हैं कि आज हम क्या करना चाहेंगे क्या हमारा एजेंडा है आज के लेक्चर का तो आइए इसको देख लेते हैं लिख लेते हैं इसको आज हम बात करेंगे टॉपिक जो है वो है जी डेफिनेट इंटेगर तो ये कोर्स uh, टॉपिक भी है लेक्चर का और पहला जो आइडिया uh, हम इसमें बात करेंगे वो यही होगा कि जी डेफिनेट इंटेग्रल क्या होता है uh, हमने इनडेफिनेट इंटेग्रल एक दफ़ा देखा था uh, जो कि एंटी एंटी ड्रेविटव के, के तौर पे हम ट्रीट uh, करते हैं उसे uh, लेकिन यहाँ पे अब हम डेफिनेट इंटेग्रल की बात करेंगे विल सी वॉर इसको डिफ़ाइन करेंगे इसके बाद हम इसी डेफिनेट इंटेग्रल के ऊपर बहुत सारी बातें करेंगे उनमें से होगी एक के जी डेफिनेट इंटेग्रल्स ऑफ कंटिन्यूस फंक्शंस विध नॉन नेगेटिव वैल्यूज इसके बाद हम देखेंगे डेफिनेट इंटेग्रल ऑफ कंटीन्यूस फंक्शंस विद नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यूज यानी इसमें हम अलाउ करेंगे कि नेगेटिव वैल्यूज भी आ, आ सकती हैं फंक्शन की वैल्यूज़ की इसके बाद हम देखेंगे डेफिनेट इंटेगरल ऑफ फंक्शन विद डिसकटीन्यूटीज यानी ऐसे फंक्शन जो किसी एक पॉइंट पर डिफाइंड ना हो एक इंटरवल में तो उसके उसमें क्या सेंस बनता है डेफिनेट इंटेग्रल की बात करने का इसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे ऑफ द डेफिनेट इंटेगरल और फिर वक्त हुआ तो फिर हम देखेंगे इन कुछ इनक्वालीज़ इन्वॉल्विंग डेफिनेट इंटेगरल तो जनाब ये है एजेंडा आज का तो इसको फिर शुरू करते हैं बातचीत इसके बारे में तो सबसे पहला टॉपिक वही है डेफिनेट इंटेग्रल का तो उसके बारे में अगर हम बात शुरू करते हैं तो उसको डिफ़ाइन करेंगे पहले कि वो क्या होता है तो आइए शुरू करते हैं इसमें आ, किस तरह से इसको शुरू करें इसमें ये है कि जी आ, एरिया के हवाले से बात करेंगे हम यानी थोड़ा सा बिफोर वी डिफाइन वॉट डेफिनेट इंटीग्रल इज हम जो पिछले लेक्चर में हमने बात की थी आ, अपनी उसकी एरिया अंडर द कर्व की तो उसको थोड़ा सा और जनरलाइज करते हैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि आ, हमने ये देखा था कि जी अगर आप पिछले लेक्चर में कि आपके पास आ, एरिया uh, आप मालूम करना चाह रहे हैं ऑफ अ रीजन विच इज़ डिफाइंड एज अंडर दी ग्राफ ऑफ अ गिवन फंक्शन और वो फंक्शन की खासियत ये थी कि खासियत ये थी कि वो कंटिन्यूस था और नॉन नेगेटिव था ऑन अ गिवन इंटरवल और साथ ही में जो रीजन उसके नीचे था वो कन्फाइंड था ऑन द साइड्स बाय लाइंस एक्स एक एंड एक्स एक बी एंड बी पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल और एक्सिकल्स यानी एक्स एक्सिस जो था एक्स वाई को जीरो दैट वॉज दी बाउंड्री ऑफ द रीजन एट द बॉटम तो ऐसे रीजन का हमने एरिया मालूम किया था और हमने कहा था कि जी इसमें वही बात थी कि सब की गिविन इंटरवल uh, की a b की उसके बाद हमने वो जो सब की थी उसमें एकअल सब की थी यानी जो भी सब इंटरवल्स बने थे वो सारे एकअल चौड़ाई के थे विड्थ के थे फिर हमने उन uh, इंटरवल्स को इस्तेमाल करते हुए रेक्टेंगल्स बनाए थे उन रेक्टेंगल्स uh, जो डिफ़ाइन हुए थे उन सब uh, इंटरवल्स में उनमें सब इंटरवल्स में एक हमने आर्बिट्री पॉइंट चूज़ किया था और फिर आर्बिटरी uh, पॉइंट पे हमने uh, देखा था कि इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है फंक्शन की या इन अदर वर्ड्स के ग्राफ पे इसकी वैल्यू क्या होगी कहाँ पर यह इंटरसेक्ट करेगा तो वो हमने मालूम की थी फिर हमने उन सब उससे बेसिकली ये हुआ था कि हमारे पास हाइट आ गई थी उस रेक्टेंगल की ऑन द यानी जो बेसिक रेक्टेंगल्स की हम बात कर रहे हैं कोई भी इनमें एक होगा सब में यही होना था कि आप हर रेक्टेंगल को देख के आर्बिट्री पॉइंट उसकी विट तो हमें सबकी पता थी बराबर है लेकिन हाइट मालूम करने के लिए चूँकि डिफरेंट हाइट्स होती थी तो उसके लिए हमने कहा था कि जी एक आर्बिट्री पॉइंट चूज़ कर लें कॉरस्पॉन्डिंग वाई वैल्यू मालूम करें तो आपके पास हाइट आ जाएगी हर रेक्टेंगल की फिर हमने इन सब का एरिया मालूम कर लिया था हाइट बताओ विट बताओ तो आप एरिया मालूम कर सकते हैं रेक्टेंगल का और उन सब एरियाज को फिर ऐड किया और फिर हमने कहा कि लिमिट ले लें तो और इसका मतलब था कि रेक्टेंगल्स बहुत पतले हो रहे थे दे वर गेटिंग थिनर एंड थिनर एंड उसका यानी हमने ये देखा था कि ये जब होता है जब आपने जो एन चूज़ किया था जिस यानी जो नंबर था जिससे जिसके ज़रिए आपने अपने सब इंटरवल्स बनाए थे वो आप बहुत बड़ा ले लें तो आपके पास बहुत छोटे छोटे सब इंटरवल्स आते हैं इसका मतलब है आपके रेक्टेंगल्स बहुत पतले पतले होंगे और उस तरह से हमने डिफाइन किए थे देखा था कि जब ये होता है तो एरिया जो आता है अंडर द रीजन कैन बी अप्रोक्सीमेटेड या बल्कि हमने कहा था इट्स एग्जैक्टली गोइंग टू इक्वल द लिमिट ऑफ सम ऑफ़ द एरियाज़ ऑफ द रेक्टेंगल्स ठीक है जी तो इसमें एक शॉर्ट कमिंग थी शॉर्ट कमिंग ये थी कि हमने जो विथ की जो डिफाइन की थी रेक्टेंगल्स की ये इक्वल uh, थी अब सवाल ये था मैंने पहले भी कहा थोड़ी देर पहले कि अगर ये विट्स बराबर की ना हो या असल में सवाल ये है कि ऐसा क्यों है कि आप बराबर ही की लें क्या आप ऐसे नहीं ले सकते कि हर जो रेक्टेंगल है इनकी वेट डिफरेंट है यानी कहने का मकसद ये है कि जो आपने सब इंटरवल्स बनाए डिफरेंट चौड़ाई के हों वो तो तब क्या होता है तो ठीक है गुड क्वेश्चन और आंसर ये है कि अगर ऐसा हो तो हम फिर भी एरिया को ऐसे ही डिफाइन करेंगे जैसे हमने पिछले लेक्चर में डिफ़ाइन किया था लेकिन थोड़ी सी इसमें चेंजेस करेंगे अब आ, अगर आप गौर करें इस प्रॉब्लम पे, तो ये प्रॉब्लम कहने का मकसद क्या है इस प्रॉब्लम में मकसद ये है कि अगर आपकी रेक्टेंगल्स की चौड़ाई डिफरेंट है तो उनमें से कोई एक ऐसा ले लें जो काफ़ी चौड़ा है सबसे चौड़ा यानी जो विच हैज द लार्जेस्ट वेट तो आ, अगर हम कहें कि हम लार्जेस्ट जो वेट है रेक्टेंगल की उसको अगर हम कह दें कि जी ये अप्रोच कर रही है ज़ीरो तो उससे क्या मतलब होता है इसका मतलब ये होता है कि अगर लार्जेस्ट रेक्टेंगल ज़ीरो को अप्रोच कर रही है उसकी विथ्थ तो बाकी जो छोटे रेक्टेंगल्स हैं वो भी ऑटोमेटिकली जीरो को अप्रोच करेंगे तो इसको हम इस तरह से यानी उसका मतलब यही होगा कि जो जीरो को अप्रोच कर रहे हैं तो आपके रेक्टेंगल्स बहुत बारीक बारीक होते जा रहे हैं एंड यूर गेटिंग मनी रेक्टेंगल्स एंड यूर गेटिंग अ बेटर एंड बेटर अप्रोसीमेशन टू द रीजन दैट यू ट्राइंग टू फाइंड द एरिया ऑफ अच्छा इस आइडिया को कन्वे uh, करने के लिए एक फिगर बना लेते हैं दिस फिगर विल टेल यू एग्जैक्टली वॉट काइंड ऑफ सिचुएशन आई एम टॉकिंग अबाउट तो लेट्स लुक एट दिस फिगर इस फिगर में आप देख लें कि सिंपल सी बात है कि इफ़ यू हैव इसमें बहुत सारे डिफरेंट विथ के, के रेक्टेंगल्स हैं और एक जो है राइट राइट मोस्ट रेक्टेंगल दिस इज़ द थिकेस्ट वन यानी जिसकी वाइडेस्ट इसकी वो है लार्जेस्ट uh, विथ है और बाकी डिफरेंट वेरिंग विथ्स के हैं तो अब ये वही बात है कि इसमें ये पूछना है कि अब इसमें हम कैसे इनका नंबर इंक्रीज करें तो इसमें ये होता है कि वी बेसिकली वांट टू लेट द लार्जेस्ट विथ रेक्टेंगल उसकी जो विड्थ है उसको जीरो को अप्रोच करने देंगे तो द होल थिंग बेसिकली हैपेंस आल्सो इस आइडिया को थोड़ा सा फॉर्मलाइज कर लेते हैं तो लेट्स स्टार्ट राइटिंग दिस पॉइंट्स डाउन कि हम अब ये जो मैंने कहा कि हम कहते हैं जी लार्जेस्ट जो है रेक्टेंगल वो जीरो अप्रोच करे तो बाकी भी जीरो हो जाएंगे इसको फॉर्मली स्टेट करते हैं मैथमेटिकली तो लेट्स राइट डाउन इसको ऐसा करते हैं कि जी हम इंटरवल जो ए बी है इसको सब डिवाइड कर लेते हैं इन टू एन सब इंटरवल्स आर डेल्टा एक्स वन डेल्टा एक्स टू एंड ऑल द वे टू डेल्टा एक्स एन कहने का मकसद ये है कि आपने सब इंटरवल्स तो बनाए हैं और उनकी मकदार है उनकी जो टोटल जितने हैं वो वो हैं एन मैनी यानी एन का अभी भी एक रोल है यहाँ पे लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सब की विट बराबर हो इसलिए हमने डिफरेंटली इनको डिनोट किया है कि पहले की जो होगा पहला जो इंटरवल होगा उसकी विट होगी डेल्टा एक्स वन दूसरे की डेल्टा एक्स टू एन सो फोर्थ ऑल द वे टू डेल्टा एक्स एन लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सब बराबर हों या इनमें से कोई एक बराबर हो हो सकता है हो हो सकता है ना हो अच्छा अब पहले भी हमने कहा था कि जब हम ये जो सब इंटरवल्स बनाते हैं तो हम कहते हैं कि जो ओरिजिनल इंटरवल है ए कॉम बी इसको पार्टीशन कर दिया गया है एंड इन टू स्मॉलर सब इंटरवल्स और ये जो प्रोसेस था इसको हम कहते हैं कि द इट्स कॉल्ड अ पार्टीशन दिस दिस होल न्यू बंच ऑफ सब इंटरवल्स दैट यू गेट दो पार्टी इंटरवल ए कॉम बी क्लोज इंटरवल और जो सबसे बड़ी विथ का जो वो है आपका रेक्टेंगल इसमें कोई भी हो सकता है उसको हम कहते हैं जनाब We write, call it the mesh size of the partition. In a largest width ka rectangular, we call it the mesh size. Isko hum kaise denote karthi mesh size iski special uh, wo hai notation, uh, likh lete hai isko. We denote the mesh size or the, uh, interval, which the, with the sub interval with the subinterval with the largest width, uh, we write this as max delta x sub k. यानी इसको हम कैसे पढ़ेंगे इसको पढ़ेंगे एज मैक्सिमम ऑफ दी डेल्टा एक्स सब के डेल्टा एक्स सब के से मुराद ये है कि ये जो बहुत सारे मैंने विट्स लिखी थी डेल्टा एक्स वन डेल्टा एक्स टू ऑल द वे टू डेल्टा एक्स एन इनमें से कोई भी आप यानी आर्बिटरी की बात हो रही है जितने भी हैं इनमें से उनमें से जो सबसे बड़ा है कोई उसको हम कहते हैं डेल्टा एक्स सब के यानी कोई भी इनमें से एक पिक कर लें डेल्टा एक्स सब के अच्छा मिसाल के तौर पे अब एक आ, इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हमने जो नोटेशन लिखी है इसका क्या मतलब है सो so, इसको देखिए कि एक पिक्चर बना लेते हैं इस पिक्चर में ये है कि जी आपके पास एक इं, इंटरवल दिया हुआ है ज़ीरो से लेके कर सिक्स तक और इसमें हमें सब इंटरवल्स भी दिए हुए हैं ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट बेसिकली डेल्टा एक्स वन दिया हुआ है डेल्टा एक्स टू दिया है डेल्टा एक्स थ्री भी दिया है और डेल्टा एक्स फ़ोर यानी बेसिकली चार सब इंटरवल्स हैं इसके और इसमें हमें मैच साइज मालूम करना है यानी इन अदर वर्ड्स वी वांट टू फाइंड मैक्सिमम डेल्टा एक्स अब के तो नोट कीजिए कि दिस इज इक्वल टू डेल्टा एक्स थ्री पिक्चर से जाहिर है एंड इक्वल टू नाइन ओवर टू माइनस फाइव ओवर टू यानी आउटर जो वो है एंड पॉइंट और इनर एंड पॉइंट उनको सब्ट्रैक्ट कर दें रिजल्ट आत, आता है टू तो ये आपका इसका मैक्मम uh, का इंटरवल है इन दिस केस अच्छा जी तो ये आपका हो गया आ, इसको कह लें कि जी आपने आ, देख लिया कि कैसे मैच साइज क्या चीज़ होती है और डेल्टा एक सब के और मैक्सिमम जो होता है इसका क्या होता है अब ये है कि वही थ्योरी वही है कि बेसिकली इन सब आ, इन इंटरवल्स के ऊपर हम रेक्टेंगल्स बनाते हैं तो डिफरेंट विर्थ्स के रेक्टेंगल्स बन जाते हैं आपके पास तो इन डिफरेंट uh, विर्थ के जो रेक्टेंगल्स हैं इनकी आपको अब आ, एरिया मालूम करना है बेसिकली जैसे पहले हमने एरिया मालूम किया था इक्वल विट के रेक्टेंगल्स से अब ये मै जो डिफरेंट विट्स के हैं इनका भी एरिया मालूम करना है तो इंड एक बट तो कोई एक भी अगर आप एक खास ख़ास तो नहीं कोई भी एक अगर आप रेक्टेंगल लेंगे तो उसका एरिया कैसे डिफाइन होगा उसी तरीके से जैसे पहले किया था कि आप उसकी विट लेंगे मल्टीप्लाइड बाय द हाइट ऑफ द रेक्टेंगल तो अब हाइट कैसे मालूम करेंगे जिस तरह पहले हमने की थी उसी तरह यहाँ पे भी हाइट मालूम कर लेंगे कि आप एक गिवन इंटरवल में आ, आप कहेंगे जी एक आर्बिट्री पॉइंट चूज़ कीजिए एक्स के स्टार कह लें उसे ठीक है जी आर्बिट्री केथ इंटरवल की बात हो रही है उसमें आप एक्स के स्टार चूज़ कर लें और उस पर आप फंक्शन को अवेल्यूएट कर लें तो बेसिकली यूर लुकिंग एट एफ ऑफ एक्स के स्टार एंड दैट विल डिफाइन द हाइट ऑफ द रेक्टेंगल तो हाइट मालूम है विथ मालूम है वी कैन राइट डाउन दी एरिया ऑफ दैट रेक्टेंगल इट वी जस्ट दफ एक्स के स्टार विच इज दाइट विद दिट इज डेल्टा एक्स ऑफ के दैटर एरिया ठीक है एरिया भी मालूम हो गया अब आ, हमें इन सब आ, ये जो रेक्टेंगल्स हैं इन सबका एरिया मालूम करना है तो मालूम कर लेते हैं इसी फार्मूले से अब यह है कि ये पूरा जो रीजन डिफाइंड था इन टर्म्स ऑफ दीज रेक्टेंगल्स इनका सबका Uh, मालूम करना है uh, इसका जो रीजन डिफाइन था इसका एरिया मालूम करना है तो वो हम बड़े आसानी से मालूम कर सकते हैं जैसे पिछले लेक्चर में किया था कि आप अपने सारे रेक्टेंगल्स के एरिया मालूम कर लीजिए उन सब को ऐड कर लें एंड ऑफ देम यू गेट द एरिया ऑफ द रीजन डिफाइंड बाय द यूनियन ऑफ ऑल दिज रेक्टेंगल्स एंड यू दैट रीजन तो मकसद वो है कि इस एरिया का रीजन uh, इस रीजन का एरिया मालूम कर बाद आप अप्रॉक्सीमेट करना चाहते हैं गिवन ओरिजिनल रीजन आर को जो जैसे अभी हमने अगर कोई कर्व बनाया उसके नीचे जो रीजन है उसको हम मालूम करना चाह रहे हैं अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं इससे तो जैसे पिछले लेक्चर में किया था हमने कि अब हमने जब ये सम मालूम कर लिया है अब हम चाहते हैं कि ये रेक्टेंगल्स बहुत सारे छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में कन्वर्ट हो जाएं और हमारे पास एक बहुत ही इतनी अच्छी अप्रॉक्सीमेशन आए कि हम इसको कहें कि जी एग्जैक्टली दिस इज़ द एरिया अंडर द कर्व ये विच इज़ विच इज़ वॉट वी कॉल्ड आर रीजन आर अब इसमें इस रीजन के एरिया को मालूम करने के लिए हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि अगर ये जो सम अभी हमने लिखा यानी सम जिसको हम लिख सकते हैं अभी लिखा नहीं था वी के रिमेम्बर वी कड राइट जो हमने सम मालूम किया था एरियाज ऑफ ऑल द रक्ट एंगल्स इसको हम समेन की नोटेशन में लिख सकते थे सिगमा नोटेशन में सिगमा के इक्वन टू एन एफ ऑफ एक्स के स्टार डेल्टा एक्स के तो ये आपको सारा बताता क्या है ये, इस का। अब ये सवाल है कि जी अब हम इसका अगर लिमिट ले सकते हैं किसी तरह से कोई ऐसा लिमिट लेंटेंगल्स का नंबर इतना बढ़ जाए कि एग्जैक्ट आपकी आंसर आ जाए फॉर अदर ओरिजिनल रीजन तो इसका जवाब यह है कि बिल्कुल कर सकते हैं पिछले लेक्चर में हम किया चूंकि हमारे रेक्टेंगल्स जो थे वो बराबर की बिट के थे तो दे ऑल वेंट टू zero the width went to zero as the number of you know uh, number of uh, rectangles was increased by increasing the number of subdivisions of the original interval yahan pe kaise karenge different widths hain. how do we do it I pehle hi keh chuka hu isko likh We will hum ye kahenge uh, if we let maximum of the delta x k which is the uh, mesh size jise humne kaha tha isko agar hum zero ki then the width of every rectangle tends to 0 because none of them exceed the maximum uh, width. So, basically, we have the area under the curve now defined more generally as area equals limit as x goes to uh, maximum delta x k goes to 0 of the summation k equals 1 to n f of uh, x k star. टाइम्स डेल्टा एक्स के इस तरह से अब हम इसको जनरलाइज कर चुके हैं एक और स्टेप पे ले जा चुके हैं अपनी इस एरिया की डेफिनेशन को इसमें अब हमने स्पेशल केस हटा दिया है कि सारे रेक्टेंगल्स की विथ बराबर हो अब हमने इसको कहा है कि जी डिफरेंट विथ्स भी हो सकती हैं एज लॉन्ग एज द मैक्सिमम गोज टू ज़ीरो तो जो बाकी सारी हैं वो भी ज़ीरो की तरफ जाएंगी क्योंकि उन वो उससे बड़ी तो नहीं है जाहिर है तो जब बड़ा सबसे जा रहा है जीरो पे ऑल ऑफ द रेस्ट ऑफ टू गो टू जीरो दैट्स हाउ वी डू इट इसको फॉर्मली अब एक डेफिनेशन के तौर पे लिख लेते हैं पिछले लेक्चर में हमने इसको एक डिफरेंट डेफिनेशन के नाम से नहीं लिखा था क्योंकि एक तरह से इनकम्प्लीट थी अब ये कम्प्लीट हो चुकी है तो लेट्स राइट इट डाउन ये डेफिनेशन है जी के एरिया अंडर अ करव इफ द फंक्शन एफ इज कंटिन्यूस ऑन द इंटरवल ए बी एंड इफ एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर दैन इक्ल टू जीरो फॉर ऑल एक्स इन ए बी देन द एरिया अंडर द

तो वो कहां पे हैं? यहां पे अब हम उनको डिफाइन करते हैं तो लेट्स डिफाइन द डेफिनेट इंटेग्रल लेट्स राइट इट डाउन डेफिनेट इंटेग्रल अब हम डिफाइन कर रहे हैं ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन विद नॉट नॉन नेगेटिव वैल्यूज द लिमिट इन द डेफिनेशन जो अभी हमने देखी थी थोड़ी देर पहले इसमें बेसिकली इसके जरिए हम डिफाइन करेंगे इसे एंड द वे वी डिफाइन वी डिफाइन द डेफिनेट इंटेग्रल इज दैट वी राइट इंटरग्रल ए बी यानी ऊपर नीचे a और b लिखा हुआ है ऑफ द फंक्शन f(x) dx लिमिट दैट वी जस्ट सॉ द लिमिट इक्वेशन जो आपके सामने भी अभी है यानी बेसिकली अ डेफिनेट इंटीग्रल f(x) dx इज रियली जस्ट द एरिया अंडर द कर्व ऑफ द और ऑफ द फंक्शन y f(x) तो इसको हम अब इंटीग्रेशन के टर्म्स में ले आए हैं हम इसको यानी अभी तक हमने ये नहीं कहा कि एक तरह से इंटेग्रल का साइन हमने इस्तेमाल किया है लेकिन अभी तक इसकी कैलकुलेशन सी कोई बात नहीं की है हमने डिफ़ाइन भी कर दिया है डेफिनेट इंटेग्रल एज द एरिया अंडर द कर्व और इसमें यह कि इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे वो बात की बात है तो इसके बारे में अब मजीद बात करते हैं ये जो डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटेग्रल है यानी अभी हमने डेफिनेट इंटेग्रल की बात की कुछ अर्से पहले हमने इनडेफिनट की बात की थी जिसको हमने कहा था कि ये इट्स द सेम थिंग एज एंटी इंटरवेटिव इनके दरमियान कोई रिलेशनशिप अगर है तो वो क्या है इसके बारे में बाद में बात करेंगे uh, फ़िलहाल ये है कहने का मकसद कि जो नोटेशन हमने अभी देखी है इंटीग्रल की इसका मतलब ये है कि यानी इंटेग्रल एफ ओफ एक्स डी एक्स को हम पढ़ सकते हैं एरिया अंडर द कर्व ऑफ वाई कुल्स एफ ऑफ एक्स ओवर द इंटरवल ए बी अब वही बात है मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि हमने डिफ़ाइन किया है अभी तो डेफिनेट इंटेग्रल अब इसको एवेल्यूशन की बात होगी कि इसको हम कैसे एवेल्यूट कर सकते हैं डेफिनेट इंटेग्रल फ़िलहाल तो ये है कि इट्स अ लॉन्ग कैलकुलेशन इसमें ये लिमिट्स की टर्म्स में दिया हुआ है अगर आपसे कहें कि जी हमें पता है डेफिनेट इंटेग्रल जो है वो एरिया अंडर द कर्व है तो आपसे कोई कहे कि जी डेफिनेट इंटेग्रल मालूम करें तो आपको पूरी लिमिट की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी रेक्टेंगल्स बना के ऑल दैट यू नो हार्ड वर्क तो खैर हम उसको अवॉइड करना चाहेंगे आगे चल के हम टेक्निक्स डिवेल्प करेंगे जिसमें हमें सारी कैलकुलेशन ना करनी पड़े तो एक एग्ज़ाम्पल करते हैं जिसमें हम डेफिनेट इंटेग्रल एवेल्यूएट करते हैं यूजिंग बेसिक जोमेट्री इसमें यह होगा कि इस एग्जाम्पल से ज़ाहिर हो जाएगा कि आपको हमेशा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है वो कैलकुलेशन जो इंटेगर डेफिनेट इंटेग्रल की डेफिनेशन में हमने देखी है लिमिट्स जो इन्वॉल्व करती है वी डोंट हैव टू ऑलवेज डू इट सो लेट्स लुक एट दिस एग्जाम्पल एग्जाम्पल है जी टू अवेल्यूट इंटेग्रल फ्राम टू टू फोर ऑफ द फंक्शन एक्स माइनस वन डी एक्स तो ये फंक्शन एक्स माइनस वन है इसका मकसद इस इंटेग्रल का कहने का ये है कि एरिया मालूम करें इस फंक्शन के नीचे ऑन द इंटरवल टू टू फोर तो कैसे मालूम करेंगे इसमें देखिए कि ये इसकी पिक्चर अगर आप बनाएं So, this idea clear that what is hai like function or on this interval let's make a picture of this. picture picture you are basically finding the uh, area under the curve uh, y equals x minus 1 over 2, 4, 2 to 4 and the picture shows you that the region described is just a trapezoid with height 2 and the first base equals 1 and the other one equals 3. So, we can just evaluate this integral from basic geometry. यानी इसमें हमें कोई हैवी हेवीड्यूटी कैलकुलेशन करने से पहले देख लेना चाहिए कि जो फिगर फिगर डिफाइन हो रहा है इन द एग्जांपल वो कोई बेसिक ज्योमेट्रिक फिगर तो नहीं है ताकि हम बेसिक ज्योमेट्री uh, के फॉर्मूले फार्मलेक्सप्लॉड कर सकें इन दिस केस दैट इज़ द केस कि ये ट्रेपजॉइड है उसकी डिमेंशन हमें पता है तो हम इस इंटरग्रल को बजाय वो सारी कैलकुलेशन करने के लिमिट्स के साथ हम बेसिक ज्योमेट्री से एवेल्यूएट uh, कर सकते हैं तो अगर हम ये करें तो रिजल्ट आता है हमारे पास कि इंटरगल टू टू फोर x माइनस वन डी एक्स इज इक्वल टू वन हाफ टाइम्स टू टाइम्स वन प्लस थ्री फोर तो ये हमने आ, एक एवेल्यूएशन की जोमेट्री इस्तेमाल करते हुए अब आगे चल के हम और टेक्निक्स भी डिवेलप करेंगे लेकिन वो बात की बात है अभी और बातें कर लेते हैं ये जो सम हमने अभी तक देखा है जिसमें हम लिमिट जिसका हम लेते हैं और जो डिफाइन करता है जिसका लिमिट डिफाइन करता है एरिया अंडर द कर्व

उसमें uh, तो गाउस का ये एक स्टूडेंट था रीमान एंड अ वेरी ब्रिलियंट मैथमेटिशियन यू नो जर्मनी में लेट एटीन की बात है और ही वाज ही एक्चुअली डिवेल्प दिस थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन अ लॉट एंड सो वी अ लॉट टू हिम और उन्हीं के ऑनर में वी कॉल दिस सम एज द रीमान सम अच्छा अब ये एक बात है कि जी ये जो फार्मूला हमने अभी देखा थोड़ी देर पहले जिसको हमने कहा कि अब हम इसको डिफाइन करते हैं फाइनली डेफिनेशन के तौर पर लिखा जो डिफाइन करा था एरिया अंडर द कर्व उसमें जो फंक्शन था उसमें एक रिस्ट्रिक्शन थी रिस्ट्रिक्शन ये थी कि एफ ऑफ एक्स वॉज कंटीन्यूस एंड एक्चुअली दैट रिस्ट्रिक्शन वी विल कीप फॉर नाउ एफ ऑफ एक्स इज़ कंटीन्यूस लेकिन एफ ऑफ एक्स नॉन नेगेटिव भी था यानी एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यूज़ हैं वो नेगेटिव नहीं थी जिसका मतलब है कि उसका फंक्शन जो है वो एक्स एक्सिस से नीचे नहीं जाता था ऊपर ही ऊपर रहता था तो उसमें हमारे लिए कैलकुलेशन में थोड़ी आसानी थी और जियोमेट्रिकली uh, तस्वीर बनाने में भी आसानी uh, थी ताकि कॉन्सेप्ट उससे काफ़ी क्लियर हो जाता था इमीडिएटली लेकिन वही बात है कि जनरल बात तो नहीं हुई है कि ये तो आपने एक खास स्पेशल फंक्शन लिया जो हमेशा नॉन नेगेटिव है ज़ीरो हो सकता है या पॉजिटिव तो दैट्स नॉट अ सिचुएशन वी लाइक हम ये चाहेंगे कि ऐसे फंक्शंस को भी इंक्लूड करें इस डेफिनेशन में जिनकी नेगेटिव वैल्यूज़ भी हों यानी उनका ग्राफ ऐसे ही कुछ uh, ऐसे बिहेवियर भी, भी करे कि पॉजिटिव हो ऊपर अगर ये एक्स एक्सेस है तो इट शुड गो डाउन एंड क्रॉस इट एंड गो बिलो द एक्स एक्सेस और y की नेगेटिव वैल्यूज उसमें इंक्लूडेड हो तो इनको कैसे इनकॉपरेट करेंगे तो इनकॉपरेट इसको uh, करने से करने का जब सवाल उठता है कि हाउ डू वी इनकॉपरेट दीज फंक्शंस नेगेटिव वैल्यूज इन टू आर डेफिनेशन ऑफ एरिया अंडर द कर्व तो क्वेश्चन असल में ये होना चाहिए कि चूंकि एरिया अंडर द कर्व इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ लिमिट क्वेश्चन इज फॉर फंक्शन विद नेगेटिव वैल्यूज डज द लिमिट एक्चुअली एग्जिस्ट दैर इज द क्वेश्चन दैट इज ऑफ इम्पॉर्टेंस क्योंकि अगर लिमिट एग्जिट नहीं करेगा ज़ाहिर फिर एरिया भी एग्जिस्ट नहीं करता उस फंक्शन का uh, और यह उस फंक्शन के जो नीचे डिफाइंड है uh, तो देट इज़ द क्वेश्चन वी शुड आस्क तो अब ये एक uh, चीज़ एक प्रूफ एक थियोरम है जो हम प्रूफ नहीं करेंगे uh, लेकिन एडवांस कोर्सेज में प्रूफ किया जाता है कि अगर फंक्शन uh, ऐसा हो जिसकी नेगेटिव वैल्यूज़ भी हों तब भी ये जो फंक्शन जो लिमिट है इस इक्वेशन में एरिया अंडर द कर्व की वो तब भी एग्जिस्ट करता है एंड वी डोंट हैव टू वरी अबाउट कि भाई ये करेगा नहीं करेगा तो इसका मतलब ये है कि फॉर फंक्शन विच हैव नेगेटिव वैल्यूज ऑल्सो यू कैन ऑलवेज फाइंड द एरिया अंडर द कर्व तो क्वेश्चन अब ये है जो उठता है वो ये है कि जी वट डज इट मीन फॉर फंक्शन दर इज दर हैज नेगेटिव वैल्यूज टू हैव एन एरिया अंडर द कर्व यानी अगर आप एक तरह से सोचें कि अगर ये एक्स एक्सेस है आप ऊपर थे फिर नीचे आए तो यहाँ से तो सेंस बनता है कि ऊपर से एक इसकी जो ग्राफ है उसके दरमियान में जो जगह है एक्स एक्सेस और ग्राफ के वो एरिया अंडर द कर्व हो गया लेकिन अगर आप नीचे जा रहे हैं तो एरिया अबव द कर्व की बात हो रही है डजेंट मैटर अबव द कर्व या एरिया कन्फाइंड बाय द कर्व कह लें अगर जनरल ट्र में बात करनी है तो इसको अब हम इंकॉपरेट करते हैं इन टू आर आइडिया ऑफ एरिया कन्फाइंड बाय

और इस फिगर के थ्रू देखते हैं इसके ज़रिए कि हम इस डेफिनेशन को जो अभी तक हमने देखी है इसको एक्सटेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते टू इनकॉर्पोरेट दिस काइंड ऑफ अ फंक्शन लेट्स लुक एट दिस पिक्चर इस पिक्चर में देखें कि आपके पास एक फंक्शन है जो कंटिन्यूस है ऑब्वियसली और एक इंटरवल ए से बी तक इसके अंदर आ, इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो पॉजिटिव भी हैं नेगेटिव भी हैं दो बार पॉजिटिव हैं और एक दफ़ा नेगेटिव यानी द ग्राफ क्रॉसेज दोस बिलो The x -axis. तो इसमें यह है कि आ, हम अगर देखें वो वाला हिस्सा जहाँ पे इस फंक्शन का ग्राफ एक्स एक्सिस से ऊपर है तो हम एरिया अंडर कर्व की बात कर सकते हैं और ऐसा करते हैं कि इसमें जैसे पिक्चर में आपने देखा कि हमने अप्रॉक्सीमेट करने के लिए उस एरिया को आ, दो रेक्टेंगल्स बना लिए थे उनका एरिया हमने रेक्टेंगल्स का दे दिया a1 a2 सिमिलरली जो दूसरी तीन दो जगह मैंने कहा था जहाँ पे ये अबव द एक्सएक्सेस है जो बाकी हिस्सा था वहाँ पे हमने रेक्टेंगल्स बनाए और उनको एरिया साइन किया ए फाइव ए सिक्स और जहाँ पे ये ग्राफ जो था इसका फंक्शन का नीचे था एक्स एक्सिस से वहाँ पे भी हमने रेक्टेंगल्स बनाए और उनको हमने वैल्यूज़ दी ए थ्री एंड ए फोर तो अब रेक्टेंगल्स बन चुके हैं विच इज़ वॉट विच इज़ द फर्स्ट स्टेप अब ये देखना है कि वो ये इनको कैसे uh, टैकल करें लाइक वॉट डू द रेक्टेंगल्स बिलो द एक्स एक्सिस मीन अच्छा इसमें जो रेक्टेंगल्स uh, बने हैं बिलो एक्स एक्सिस इसमें सबसे पहली बात तो है कि रेक्टेंगल्स हैं सो so ऑब्वियसली इनका कोई एरिया है तो एरिया मालूम किया जा सकता है और मजे की बात यह है कि जिस तरह पिक्चर से भी जाहिर हुआ था कि यहाँ पे भी वही प्रोसीजर लगाया जा सकता है जो हमने पॉजिटिव uh, फंक्शंस के लिए नॉन नेगेटिव फंक्शंस की जो एरिया uh, मालूम किया था अंडर द कर्व वही हम यहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो इसका इंटरप्रटेशन कुछ यूँ होनी चाहिए कि जो रेक्टेंगल्स एक्स एक्सेस से नीचे फॉर्म हुए uh, उनकी कुछ एरिया है और वो एरिया तो एज सच पॉजिटिव ही रहेगा जाहिर है एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव लेकिन हम एक नेगेटिव वैल्यू जो जाहिर है चूंकि वाई वैल्यूज़ नेगेटिव हैं रिजल्ट भी नेगेटिव आएगा तो नंबर जो है उसको हम कहेंगे जो नंबर रिप्रेजेंट्स द एरिया ऑफ द रेक्ट एंगल बट द माइनस साइन टेलिंग अस दैट द फंक्शन इज बिलो द एक्स एक्सिस तो इस तरह से हम इसको एक तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि वी वोंट वरी अबाउट द नेगेटिव वैल्यूज बिकॉज वी विल टेक द नंबर एसोसिएट अलोंग साइड विद द नेगेटिव वैल्यू एज द एरिया एंड द नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स द फैक्ट दैट द रेक्ट लाइंग बिलो द एक्स एक्सिस तो अब रीमान सम इसका क्या बनेगा इस सिचुएशन का ये जो एग्जाम्पल हम कर रहे हैं जो पिक्चर भी देखी इसका रीमान सम बन सकता है बना लेते हैं लेट्स राइट इट डाउन सम जनाब इसका बनेगा समेशन के इक्वल्स वन से लेकर सिक्स तक ऑफ एफ ऑफ एक्स के स्टार डेल्टा एक्स के इक्वल्स एफ ऑफ एक्स वन स्टार डेल्टा एक्स वन प्लस ऑल द वे टू एफ ऑफ एक्स सिक्स स्टार डेल्टा एक्स सिक्स आ, ये वैल्यूज़ हमें पता है पिक्चर से भी जाहिर था कि ए वन इज़ द एरिया ऑफ द फर्स्ट रेक्टेंगल यानी जो एफ एफ एक्स वन स्टार डेल्टा एक्स वन है ये ए वन है बाकी जो है वो प्लस ए टू हो गया जो थर्ड है उसके लिए हम माइनस ए थ्री लिख लेते हैं फोर्थ के लिए माइनस ए फोर बिकॉज देयर बिलो द एक्स एक्सिस और बाकी प्लस ए फाइव प्लस ए सिक्स हो गया अब ये करते हैं कि पॉजिटिव एरियाज जो हैं जिनके पॉजिटिव साइंस हैं उनको एक तरफ़ लिख लेते हैं और नेगेटिव वाले एक तरफ और नेगेटिव को फैक्टर आउट कर लेंगे उसमें से तो आपके पास रिजल्ट आता है ए वन से लेके ए टू ए फाइव और ए सिक्स जो है एक तरफ आ गए ऐड कर दीजिए माइनस द एरिया ए थ्री प्लस ए फोर सो बेसिकली दिस इज दैट द इफ यू हैव अ फंक्शन दैट टेक्स ऑन पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज उसका रीमान सम है वो बता रहा है आपको कि द एरिया अंडर द कर्व या कन्फाइंड बाय द कर्व is the difference of the 2 areas the area which is above the x-axis from that subtract the area below the x-axis that will give you the total area confined by the um, uh, curve yes example technique about the definition thori broad kar lete area of the curve key under the curve key so it is called the definition The definition definition that if a function is continuous on a b and can assume both positive and negative values then the net signed area a between y equals f of x and the interval a b is defined by the definite integral a to b f of x dx equals the same equation we saw earlier and that is exactly what we would like it to be. So, this is a technical thing which we have incorporated in our definition of the area under the curve definition. So, let एग्जाम्पल uh, है जनाब इंटीग्रेट एवेल्यूएट द इंटीग्रल फोर टू टू फोर ऑफ वन माइनस एक्स डी एक्स इसका अगर आप पिक्चर बनाएं तो आप देख लें कि ये सारा जो एरिया है ये लाया करता है बिलो द एक्स बाय द इंटरवल टू एंड फोर और अगेन वही बात है कि दिस इज एक्चुअली ए जोमेट्रिक फिगर ऑफ़ ए ट्रेपेजॉइड इसकी बेसिस और हाइट्स हम मालूम कर सकते हैं तो इसको देख लीजिए अगर आप अवेल्यूएट करेंगे तो इसका एरिया तो फोर आएगा एज एरिया लेकिन चूंकि येस से बिलो है फिगर हम इसका माइनस साइन लगा देंगे साथ में सो द रिजल्ट ऑफ द इंटेगर बी माइनस फोर एंड रिप्रजेंट दैट द एरिया अच्छा अब एक हम डेफरेंट इंटेगर की बात कर रहे हैं तो इसको ब्रॉड करना चाहेंगे मजीद टू इन कॉपरेट फंक्शन विच है

तो इसको हम एक डेफिनेशन के तौर पे हम डायरेक्टली लिख लेते हैं कि ऐसी सिचुएशन में डेफिनेशन क्या होनी चाहिए ऑफ एरिया अंडर द कर्व वेयर द फंक्शन हैज सो लेट्स राइट डाउन अ डेफिनेशन डेफिनेशन में जनाब आप देख लीजिए कि अगर फंक्शन um, एफ जो है वो क्लोज है इंटेगरेबल ऑन ए बी और मोर सिंपली इंटेगरेबल ऑन ए बी इफ द लिमिट

तो उस आइडिया को इनकॉपरेट करने के लिए हमने अपनी एरिया अंडर द कर्व की डेफिनेशन मजीद बढ़ा लिए और वो हमने अभी देखी कैसे है तो वही बात है कि डिपेंडिंग ऑन ईच फन जिसकी डिस्कॉन्चुनिटीज डिफरेंट टाइप्स की होंगी तो री ये फंक्शन इंटेग्रेबल हो सक हो शायद हो शायद ना हो अगर हो तो फिर हम एरिया मालूम कर सकते हैं अंडर द कर्व अगर नहीं है तो ऑब्वियसली वी कैन नॉट डू इट बिकॉज द लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट द लिमिट दैट इज़ पार्ट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द डेफिनेट इंटेग्रबल या एरिया अंडर द कर्व अच्छा अब एक डेफिनेशन और है जिसको देख लेते हैं कि अगर डोमेन ऑफ एफ इफ द डोमेन ऑफ देन वी डिफाइन द लिमिट्स आपके बराबर के हैं अपर और लोअर फंक्शन एफ ऑफ एक्स एज जीरो एंड एफ इज इंटेग्रेबल ऑन ए बी देन वी डिफाइन इंटेग्रल फ्रॉम बी टू ए यानी बेसिकली आपने अपने लिमिट्स रिवर्स कर लिए इंस्टेड ऑफ गोइंग फ्रॉम ए टू बी और गोइंग फ्रॉम बी टू ए ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स एज बींगल टू द नेगेटिव ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स तो ये जनाब एक डेफिनेशन हो गई इट्स अ वेरी टेक्निकल यूजफुल डेफिनेशन इसको हम आगे चल के इस्तेमाल करेंगे अब कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं डेफिनेट इंटेग्रल की तो इसको लिख लेते हैं वी विल विल राइट इट डाउन एंड सी वॉट दीज प्रॉपर्टीज़ आर प्रॉपर्टीज़ आपके सामने हैं इन द फॉर्म ऑफ अ थ्योरम देख लीजिए कि इसमें वही उसी टाइप की प्रॉपर्टीज़ हैं जैसी हम डिफरेंट डेरिवेटिव्स के बारे में भी देख चुके हैं तो थ्योरम कुछ यूं है कि इफ़ एफ एंड जी आर इंटेग्रेबल ऑन एन इंटरवल ए बी एंड इफ़ सी इज़ अ कॉन्स्टेंट देन सी टाइम्स एफ एफ प्लस जी एंड एफ माइनस जी आर इंटेगरेबल ऑन ए बी एंड वी कैन से दिस एज integral from a to b of c f of x dx is equal to c times the integral of f of x dx, any yani constant factor out ho jata hai, uh, integral sign say just a derivative k uh, through factor ho jata hai, constant. Or the uh, subtracted uh, any yani difference of two functions or the sum hai usme the ke, basically kehne ke hai ke the integral sign distributes over the sum and differences of functions. अच्छा ये भी एक डेफिनेशन हो गई अब एक और थ्योरम देख लेते हैं जो हमें हेल्प करेगा आगे चल के इन डूइंग कैलकुलेशन इन टर्म्स ऑफ डेफिनेट इंटेगरल तो इसमें यह है कि बात कुछ ही होती है कभी कभी के एरियाज uh, जो होते हैं uh, वो आप स्प्लिट कर सकते हैं इन अ गिवन इंटरवल यानी मिसाल के तौर पे अगर आप इस पिक्चर को देखें तो इसमें जाहिर है कि uh, जो एरिया है अंडर द कर्व ओवर द इंटरवल ए बी दैट कैन बी स्प्लिट इनटू अ सम ऑफ टू एरियाज़ one from a to c uh, area from a to c and the other is from a the other area is from c to b. So, this formally we sakte hain as a theorem and the theorem will say state that if f is integrable on a closed interval containing the three points a, b and c then the integral a to b of f of x dx equals integral from a to c f of x dx plus integral um, c to बी एफ ऑफ एक्स डी तो इसका मतलब यह है कि आप एरिया अंडर द कर्व के तौर पर अगर देखें तो यू कैन स्प्रेड इन टू टू डिफरेंटली सेपरेटली एंड देन एट द एरिया टूगेदर टू गेट द फाइनल रिजल्ट इसकी एग्जाम्पल कर लेते हैं इस लास्ट ईयर हम की चूंकि बाद में आगे चल के हेल्प करेगा सो लेट्स गेट दिस एग्जाम्पल एग्जाम्पल है जी के आपको दिया हुआ है एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स डी एक्स एफ ऑफ एक्स जिसको आप इंटीग्रेट कर रहे हैं वन से फाइव तक uh, इसकी वैल्यू आती है माइनस वन इसी फंक्शन का इंटीग्रल अगर आप लें थ्री से फाइव तक तो रिजल्ट आता है थ्री और एक और फंक्शन जीओ एक्स है जिसको आप इंटीग्रेट करें थ्री टू फाइव तो रिजल्ट आता है फोर तो क्वेश्चन है फाइंड इंटरग्रल फ्रॉम वन टू थ्री एफ ऑफ एक्स डी एक्स तो ये हम कैसे मालूम करेंगे इसमें हम थ्योरम जो अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले उसको इस्तेमाल कर सकते हैं एरिया uh, स्प्लिट करने वाली जो बात की थी हमने तो आए कैलकुलेशन करते हैं इसकी uh, इसमें देखें कि इस थ्योरम को के अंदर अगर आप ए की वैल्यू वन डाल दें बी की फाइव और सी की थ्री वैल्यू डाल दें तो रिजल्ट आता है इंटीग्रल फ्रॉम वन टू फाइव ऑफ एफ ऑफ एक्स एक प्लस इंटरग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स फ्रॉम थ्री टू फाइव तो मुझे मालूम करना है इंटीग्रल वन से थ्री तक तो मैं लिख सकता हूँ इंटरग्रल वन से थ्री तक एफ एफ एक्स का जो है वो बराबर होगा इंटरग्रल ऑफ एफ एफ एक्स फ्राम वन टू फाइव माइनस इंटरग्रल फ्राम थ्री टू फाइव ऑफ एफ एफ एक्स एंड द वैल्यूज आर नोन दे विल बी माइनस थ्री माइनस माइनस वन माइनस थ्री एंड द रिजल्ट इज माइनस फोर तो ये आपका एक एप्लीकेशन हो गई इस थ्योरम की तो यहाँ पे अब हम इस लेक्चर को रैप अप करते हैं आ, अनफॉर्चुनेटली टाइम नहीं है मैंने कहा था शुरू में कि यानी क्वालिटीज़ की बात की थी इन्वाल्विंग डेफिनेट इंटेग्रल कुछ दो तीन थियरों में इसके आप खुद देख लीजिएगा टेक्स्ट बुक में है आपके पास uh, तो उनको आप देख लीजिएगा हम उसकी बात नहीं करेंगे लेकिन यह है कि आज हमने जो बातें की वो डेफिनेट इंटेग्रल की थी और अब आप हमने देखा कि इंटेग्रल जो है हाउ वी कैन यूज इट टू फाइंड द एरिया अंडर द कर्व तो इसको फिर हम आगे चल के नेक्स्ट लेक्चर्स में मजीद डिवेलप करेंगे इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट को और और बड़े मज़ेदार चीज़ें देखेंगे तो होमवर्क प्रैक्टिस वगैरह ज़रूर कीजिए और कोई सवालत हो तो ईमेल कर दीजिएगा अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी जब तक के लिए इजाज़त थैंक यू अल्लाह हाफिज़